हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे हमारी तरह, जैसे कि हम ठीक हैं। और देखिए, देव के पापा जा रहे हैं आपके लिए चाय बना रहा हूँ भाई, चाय बना रहा हूँ। बना लो। ये देखिए, सुबह सुबह हमारे लिए चाय बना रहे हैं और अपने लिए भी। और खाना इन्होंने खा लिया है, आज इन्होंने लस्सी नहीं पी क्योंकि इनकी हो रही थी थोड़ी सी तबीयत खराब। और मैं तो गाई सुबह सुबह लस्सी बिल्कुल नहीं पी सकती, अजीब सी लगती है सुबह सुबह लस्सी, मैं तो चाय पीती हूँ एक कप। और अब ये जाएंगे अपनी ट्रेन पकड़ने। हाँ, सब कुछ लंच वगैरह सब कुछ पैक। और आज मेरी फुक्की बंदरी का यानी कि देव जी का पेपर है इंग्लिश का। और ये देखिए कैसे सोया हुआ है मेरा चिंडू बेटा। और ये बोल रहा था कि मम्मी 7:30 बजे उठा देना, तो घड़ी में बजे हैं अभी 6:30। लाइट लाइट। तो ये देखिए लड़का पंखा चला के सोता है और कम्बल ओढ़ के सोता है, नींद आ रही है इस लड़के को। चलो दूध डाल दिया चाय में। तो भाई ये है हमारी सुबह की दिनचर्या। अब मैं चाय पीऊंगी, फिर थोड़ी देर बाहर की सफाई करूंगी, गेट वगैरह पानी पाइप लगा के वहाँ पे धोऊंगी और थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी बाहर। और फिर मैं आके नहाऊंगी, नहाकर अपनी जोत बत्ती करूंगी और फिर डेबू की तैयारी करूंगी जाने के लिए स्कूल में। तो यही है हमारी सुबह से की दिनचर्या और दोपहर का और शाम का। तो फिर हम आपको दिखाएंगे। Two very boring minutes later. तो भाई ये चलती हैं किन की? तो सुबह सुबह देखिए शूजों की सफाई करते हुए, इनका नहीं पता कौन से शूज पहन के चल दें। और ये देखिए गाइस, मेरे पेड़ पर फूल आना शुरू हो गया है आम के लिए, आम ही लगेंगे। कोर बोलते हैं इसको, कोर कोर कोर। और आंधी में ये झड़ भी जाता है ना, कोर आ रहा है हमारे आम के ऊपर। चिड़िया नहीं आ रही आज चूं चूं करने वाली, सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे आई थी है ना। तो गाइस मौसम बड़ा ही सुहाना और अच्छा हो रहा है। करूंगी Thousands of tears later. तो भाई देव हो चुका है जाने के लिए रेडी और ये कर रहा है नाश्ता अपना। आज पेपर इंग्लिश का है ना बेटा? तो गाइस हमने पूजा पाठ कर ली है अपनी और अब हम लगा देंगे अपने लड्डू को भोग। हमने लड्डू को भी नहला दिया था। और जब ये चले जाते हैं देव और देव के पापा, तभी हम पूजा पाठ करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में कर नहीं पाते आराम से। तो उनके जाने के बाद ही हम जोत बत्ती करते हैं। और देखिए तुलसी माता भी हमारी निकल गई हैं देखिए, और सूर्य देवता प्रकट होते हैं। तो गाइज अब मैं लगा दूंगी अपने लड्डू को भोग और फिर मैं खाना खाऊंगी। तो गाइज मैंने बना लिया है अपने लड्डू का खाना और मैं अपने लड्डू को खाना खिलाने के लिए चलती हूँ। तो गाइस काम वगैरह खत्म करके हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए और अब मेरी आँख खुली है तो गौरव मांग रहा है खाना। तो घड़ी में बज चुके हैं 2 और देव भी आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। तो मैंने बना दिया है गौरव के लिए खाना, तो चलिए वही दे देते हैं हम गौरव को खाना। तो आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। मीनवाइल ये आ गया है देव स्कूल से। पेपर कैसा हुआ बेटा? ये फंस गया सी। अच्छा हुआ यार। तो ये मेरे बेटा हो गया है ट्यूशन जाने के लिए रेडी। ट्यूशन कितने बजे जाना बेटा? मैं नहीं बताऊंगा। तो अभी अभी स्कूल से आया, ये 3 बजे जाएगा ट्यूशन। 2 बज चुके हैं घड़ी में। तो मैं दे देती हूँ इसके कपड़े। सब्जी है बेटा, दाल है और भिंडी की सब्जी है, दही है, लस्सी है। तो चलो भाई मैं इसके कपड़े दे देती हूँ। तो देव जाएगा ट्यूशन तो हम दे देते हैं देव को खाना। ये लो बेटा, खा लो बेटा। A few minutes later. तो भाई थोड़ा सा घी रखा हुआ है, उसको हम ताकर दूसरी डोली में ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे ही जाएगा नहीं क्योंकि जमा हुआ है, ये देखिए। तो हम इसको गैस के ऊपर रख देते हैं, ये पिघल जाएगा गैस गैस के ऊपर रखने से। तब हम इस डोली में इसको डालेंगे क्योंकि ये डोली है बड़ी और घी हो चुका है आधा। तो चलिए रख देते हैं इसको गैस के ऊपर। तो गाइस ता लिया है मैंने घी और दूसरी डोली में ट्रांसफर कर दिया है। और जब ज्यादा दिन हो जाए घी को तो एक बार ताल लेना चाहिए, उससे फिर ये खराब नहीं होता, बिल्कुल साफ है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका ढक्कन लगाएंगे, अभी गर्म है बहुत। 5 hours later. अच्छा ये डोगी कहाँ पे घूम रहा है देख लेना, चिरा घर का घर टूट गया ना। टूट गया, तोड़ दिया इन्होंने, दूसरा बनाओगे नया? मैं तो कहीं बनाएगा, नया घर बनाएगी यहाँ पे। मैं तो परले घर गए वहाँ पर ने। अच्छा तू जाता नहीं इनके घर? जावे था। और तिलकू के कल है बोल, देखो ये ले रहा बोल, बोल खेल रहे हैं धूम में। कह रहा दे दो जा खेल लिया, गिर ना जाए ऊपर से, ये कभी गिर जाए ऊपर मत जाइए।
हाँ। और उसके हाथ में और लग गई। कांच खा लिया? ओ इतने गंदे काम। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी नहीं बोलू, हैं गंदे बच्चे। देखिए गाइस, आज मैं बनाऊंगी घिया के कोफ्ते, क्योंकि घिया की सब्जी तो कोई खाता नहीं, तो मैंने सोचा आज घिया के कोफ्ते बना लेती हूँ। और जो हमारा चिन्नू बेटा है वो बोल रहा है माँ मैं पकोड़े खाऊंगा, तो उसके लिए थोड़े से घिया के कोफ्ते ऐसे ही दे दूंगी पकोड़े टाइप में, वो खा लेगा और वो खुश हो जाएगा। तो चलिए बनाती हैं कोफ्ते की सब्जी। तो हमने पूजा पाठ कर ली है, शाम की संध्या आरती कर ली है, और बाहर तुलसा जी में भी जोत लगा दी है हमने। और बच्चे गए हुए हैं, एक तो बाहर घूमने के लिए गया है क्योंकि वो अब आया था ट्यूशन से, और एक गया हुआ है जिम। तो देखिए गाइस, हमने तुलसी जी में भी जोत लगा दी है, और उधर मैं कर रही हूँ कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो घिया वगैरह हमने घिस दिया है और बेसन में मिला दिया है, अब मैं इनको फ्राई करूंगी गरम गरम तेल में। तो ये चढ़ा दिया मैंने तेल, और ये बैटर बना लिया है बेसन का। ये देखिए गाइस, हमारी कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं, और भाई चिन्नू भी ले गया है अपने। और गाइस ये खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं, चाहे इनको ऐसे ही खा लो पकोड़े के उसने, और मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है मैं घिया के पकोड़े। तो अब हम इनकी बनाएंगे सब्जी। तो भाई ये देखिए, रात को बनवा ली है गौरव ने ग्रीन चटनी और आलू फ्राई करके, ये खाएगा लड़का। ये देखिए भाई, हम ऊपर कमरे में आ चुके हैं, देखिए हमारी छोटी सी गैस, हम इसके ऊपर फ्राई कर लेंगे। जल्दी जल्दी कट करके दे दे देबू, और देबू आलू काट रहा है और बनाएगा, कह रहा है बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चाकू देख ले इसमें, ये रहे ना स्टैंड में, निकाल ले। आज का तो डाला ना दिखा था ना, अग डाल दिया, चेक करियो एक बार। नहीं आज का। तो देखिए गाइस, फ्राई हो चुके हैं पटेटो हमारे, और ये बच्चों को बड़े ही टेस्टी लगते हैं खाने में। चिन्नू बहुत खुश होकर खाया करा ऐसी ऐसी चीजें, मेरे से तो ये पलटे नहीं जा रहे इससे। चाकू दे देता मेरे तय, चाकू दे दे एक। तो मोर्चा संभाल लिया है देव बाबू ने। देव बाबू आपकी पारो कहाँ गई? ऐसे पलटो पलटो पलटो, आराम से आराम से। मंदिर तक ये वाला। वाह क्या स्वाद है। तो खा तो देखिए बच्चे चटपट खाते हुए, कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत ही टेस्टी। देखो कल छुट्टी है बेटा, कल चलेंगे हम खेत में, ठीक है? सुबह काम को निपट जाएगा जब चलेंगे। तो गाइस अब हम इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अब हमें सोना भी है। लोट में ना रहा कुछ मिर्च के अलावा, धनिया भी नहीं है खत्म, धनिया पाव थोड़ा बहुत तो होगा। तो गाइस हम इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। तो ओके बाय, गुड नाइट, सी यू, शुभ रात्रि। और इस लड़के को देखिए कैसे नाच रहा है। बाय बाय।